गंभीर विषय जिस पर मुझे लगता है बोलने से ज्यादा चुप रहने की जरूरत है। और बहुत दुख की बात है कि जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप हो गए। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, सरकार में बैठे लोगों की बनती थी। अभी हमारे साथी विनोद गुप्ता जी ने कहा कि मैं कुछ नेताओं को कहना चाहता हूं, तो मैंने मना किया कि ये हमारे बोलने का नहीं, उनके बोलने का समय है, उन्हें बोलना चाहिए था। मुझसे अभी किसी ने कहा कि इनमें कोई आपका अपना है क्या जो मर गया है कर्जे के कारण, और अगर आपका अपना नहीं है तो आप श्रद्धांजलि मना क्यों रहे हैं, आपको दुख किस बात का है। मैंने उससे सिर्फ यही कहा कि क्या मैं उस मनहूस दिन का इंतजार करूं कि जब मेरा अपना कोई, मेरे घर का कोई कर्जे के कारण मर जाए और तब मैं ये मुहिम शुरू करूं। और ये जितने लोग यहां हैं या जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जो यहां हैं, क्या ये सब अपने नहीं है? ये देश अपना नहीं है क्या? देश का एक एक नागरिक अपना है। और जैसा भी किसी साथी ने भी कहा था, मैंने अपनी टीम के सभी साथियों को, सभी लीडर को, सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही, अगर हमारे इस अभियान से एक भी व्यक्ति का जीवन बच गया, अगर हमने एक भी व्यक्ति को मरने से बचा लिया, तो समझ लेना बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया, ये जीवन सफल हो गया। क्योंकि किसी को मरने से बचा लेने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। आप किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने भगवद गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मैंने धर्म का सार जानने की कोशिश की। किसी इंसान को बचाना, किसी इंसान को मरने से बचा लेना, उसे सही मार्गदर्शन कर देना, उसको सही मार्ग दिखा देना, आपके कारण कोई सफल हो जाए, कोई आगे बढ़ जाए, कोई गिरने से बच जाए, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म कुछ हो नहीं सकता। समस्या ये है कि सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि मेरा अपना कोई होगा तो मैं बात करूंगा, और अगर हर कोई यही तय कर ले कि मेरा अपना होगा तो बात करूंगा, तो फिर दूसरों के लिए जिनका कोई नहीं है उनके लिए कौन बात करेगा। और इसलिए मैंने तय किया, और आप देख रहे हैं जब से हम आए हमने पानी नहीं पिया। मैं जनरली जब भी कार्यक्रम करता हूं, हम लोग कोशिश करते हैं भूख हड़ताल पर रहें, पानी भी ना पिए। उन लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता जो दुनिया से जा चुके, उन्हें वापस कौन ला सकता है? कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है कि कोई जो दुनिया से चला गया वापस आ जाए, लेकिन जो रह गए हैं उन्हें तो बचाया जा सकता है। और जैसा किसी साथी ने कहा कि मृत्यु अटल है, विनोद जी ने कहा सत्य है, लेकिन उसको टाला तो जा सकता है। वो लोग जो बैंक की रिकवरी के कारण, प्रताड़ना के कारण, अत्याचार के कारण इतना प्रेशर, सोचिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके ऊपर कर्जा है या आप परेशान है। थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं किश्त मांगने के लिए, कमाई का साधन नहीं है, बच्चों को पाले या किश्त दे। अभी मध्य प्रदेश की घटना है, रिकवरी के लिए कुछ लड़कियों को भेजा गया एक व्यक्ति के यहां, दुकान में नौकरी करता था, और वो लड़कियां पता है वहां जाकर क्या कह रही है मकान दुकान मालिक को, जिसके नौकरी करता है, इसने हमारी किश्त नहीं दी, इसे आप नौकरी से निकाल दीजिए। अरे अगर नौकरी से निकाल देंगे तो क्या किश्त भर पाएगा? जब नौकरी करके तो किश्त भर नहीं पा रहा, बाद में पता चला 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति, लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी, कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी, 10,000 की नौकरी कर रहा है, 12,000 की किश्त है, अब वो किश्त भरेगा कि अपने बच्चों को पालेगा? और उसको कहा जा रहा है मर जाए तो मर जाए, महिलाओं को कहा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति दुनिया में नहीं रहा, और बैंक वाले आकर कह रहे हैं घर से निकल जाओ। दिल पर हाथ रख के सोच कर देखो, तुम भी सोचो और वो सत्ता में बैठे लोग सोचें कि छोटे छोटे बच्चे घर से निकाल दिए जाएंगे, जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, उन बच्चों के सर से छत क्यों छीनी जा रही है? क्या क्या ऐसे लोगों का लोन माफ नहीं होना चाहिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया यार, और मेरी उनसे भी लड़ाई नहीं है। ठीक है, आप करिए, जिसका माफ करना है करिए, इन आम नागरिकों का भी कर दीजिए, एक बार इनकी मदद कर दो।
लेकिन सुनने को तैयार नहीं। हमने कहा ठीक है, हम प्रधानमंत्री तक जानकारी पहुंचा देते हैं, हर महीने आपसे जानकारी ली, सरकार को पहुंचा दी। शुरू में 10,000 लोग थे, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 20,000 हुए, 30,000 हुए, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, सरकार पर दबाव पड़ने लगा। और इस बार जब हमारी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय गई उनकी जानकारी लेकर, जो कर्ज के कारण परेशान है, तो वहां के अधिकारियों ने कहा आप कौन होते हैं लोगों को बचाने वाले, और आज के बाद आप अपनी जानकारी उनकी जानकारी यहां लेकर मत आइए। लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, लोग आत्महत्या करते हैं आत्महत्या करने दीजिए, आप कौन होते हैं लोगों को बचाने वाले। जो काम मैं कर रहा हूं, जो काम ये बच्चे कर रहे हैं, ये सरकार को करना चाहिए, सरकार का काम है। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि हम अपना व्यापार अच्छा चला सके, काम धंधा कर सके, सरकार देश चला सके। लेकिन सरकार में बैठे लोग ये मान ले कि देश बस उद्योगपति ही है, देश सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं, तो ये चलने वाला नहीं है सर। और अभी हमारे कई केंद्र प्रमुख है, मैं देख पा रहा हूं, अभी जम्मू कश्मीर में हमारे केंद्र को बंद कर दिया गया। कारण पता है क्या क्या है? प्रशासन कह रहा है आपके यहां हर दिन 5,000 लोग आ रहे हैं जो कर्जे कारण परेशान हैं, इसलिए हम केंद्र बंद कर रहे हैं। अरे केंद्र बंद नहीं करना था, प्रशासन को उन 5,000 लोगों से बात करनी थी भाई, दिक्कत क्या है? उड़ीसा में प्रशासन के लोग आके कह रहे हैं आपके यहां पर बहुत भीड़ आने लगी है, इसलिए केंद्र को बंद कर दीजिए। भीड़ आने का अर्थ ये है लोग ज्यादा परेशान हैं। हम भीड़ बुला नहीं रहे, हमने किसको बुलाया नहीं, हम तो जानकारी दे रहे हैं। और सरकार ने क्या किया? सरकार खुद तो मदद करने रही है, जो आदमी मदद कर रहा था, मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया, 18,00,000 लोग फॉलो करते थे वहां पर, बंद कर दिया। आप भी जानकारी नहीं देंगे लोगों को। यूट्यूब पर मेरा वीडियो चलता था, उस पर थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट होता था, तो $100-200 की इनकम भी हो जाती थी, लोगों को गाइड भी कर देते थे। 17,00,000 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की फ्री ट्रेनिंग थी। यूट्यूब भी बंद कर दिया, क्यों? कमाई का साधन भी बंद कर दो। अरे भाई $100-200 से ये मिशन नहीं चल रहा है। हर महीने 10-15 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, टीम के लोग खर्च कर रहे हैं, केंद्र वाले बता देंगे। केंद्र चलाने में ही हर महीना 50,000 खर्च हो रहा है, तो आप सोचते हैं रुक जाएगा। और कल मैंने लाइव आकर के भी, दूसरे पेज से लाइव आई, यही बात बोली, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी आपने। आपने फेसबुक पेज को बंद करना था तो पहले बंद कर देना चाहिए था, यूट्यूब को बंद करना था पहले बंद कर देना चाहिए था। 300 मिलियन लोगों ने देखा है मुझे, 300 मिलियन, करोड़ों में बात करें तो 30 करोड़ लोग। देश का कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं रहा जहां मेरी वीडियो ना पहुंच गई हो। अंडमान निकोबार से भी 200 परिवार जुड़े हैं हमारे साथ, 12,00,000 परिवार हैं। और ये परिवार केवल 12,00,000 नहीं है, ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, सरकार की नियति के सताए हुए हैं, सरकार की नियत के सताए हुए हैं। अगर इन 12,00,000 लोगों ने तय कर लिया कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, और एक एक व्यक्ति ने अगर 100-100 वोट भी डलवाए तो 12 करोड़ वोट हैं ये। सरकार इसको हल्के में ना ले। और यहां आज तो दिल्ली की टीम का कार्यक्रम था, दिल्ली के लोग आए, ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। मैंने मना किया, मैंने कहा ये सब कार्यक्रम की जरूरत नहीं, मैं तो अकेला जाकर बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, आना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को पता तो चले परेशानी है। लेकिन अब सरकार सारे रास्ते बंद कर दे, संवाद करना बंद कर दे, बातचीत करनी बंद कर दे, तो मेरे पास क्या रास्ता बचेगा? अगर वो सोचते हैं कि फेसबुक बंद कर देने से, यूट्यूब बंद करने से मैं काम छोड़ दूंगा, तो मैं आज आप सबके सामने ये बात, ये प्रण ले रहा हूं, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। और सरकार ये बात सोच ले, सरकार में बैठे लोग सोच ले कि मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर भी कर्जा नहीं है। जिन पर कर्जा है उनसे सरकार ही बात कर ले, मुझे क्यों बीच में डाला जा रहा है? मैं बीच में भी नहीं पढ़ना चाहता, मैंने जानकारी सरकार तक दे दी, सरकार उनसे डायरेक्ट बात कर ले। ना सरकार तुमसे बात करना चाह रही है, ना सरकार मुझसे बात करना चाह रही है। और सरकार किसकी? जनता की ही तो सरकार है, जनता ही तो तय करती है ना कि सरकार में कौन होगा, नेता कौन बनेगा। और अगर वो ये कहते हैं
कि नहीं हम जनता की नहीं सुनते, तब जनता तय करेगी कि जनता को उनकी सुननी है कि नहीं सुननी है। अभी चुनाव आने वाला है, मुझसे किसी ने कहा कि अभी तो चुनाव आएगा 2024 का, तो आप दबाव बना रहे हो। बिल्कुल मैं दबाव बना रहा हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। इन्हें एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की भाषा। जब इन्हें लगेगा इनका वोट खिसक जाएगा, तब तब सुनेंगे बात। और अभी आएंगे तुम्हारे घरों में, आने लगेंगे, उनसे सीधा एक ही सवाल करना, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे। सिंपल, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर कहते हैं हाँ कर्जा माफ करेंगे, तो कोई भी पार्टी का उसका साथ देना। बोले नहीं करेंगे तो बोलना तू कौन मैं कौन भाई, सीधी सी बात है। थोड़ी देर जाति धर्म भाषा से दृश्य ऊपर उठ करके इंसान बन के काम करना। और आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कब मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि सरकार जो फेसबुक बंद कर सकती है, यूट्यूब बंद कर सकती है, वो मुझे भी बंद कर सकती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है, परसों मेरे पिताजी आए थे घर पर, मुझसे कहते हैं बेटे हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए तुझे उठा लिया जाए, तुझे बंद कर दिया जाए। मैंने क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर वो डर नहीं है। और मैंने क्या करना है, मैंने जेल में भी यही काम करना है, गाइड ही करना है। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं आर्थिक स्थिति ठीक करने की। जो पैरामिलिट्री के हमारे साथी बैठे हैं, इनको इनके परिवार को ट्रेनिंग दे रहा हूं निःशुल्क, 50,000 फीस है इनको फ्री दे दी, क्यों, ये देश की सेवा कर रहे हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। तो पुलिस वाले ने कहा साहब पहली बार है कोई जो हमारे बारे में भी सोच रहा है, हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है। मैंने उनसे कहा तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग है, फ्री है तुम लोगों के लिए। और जो हमारे वॉलेंटियर हैं उन्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा केवल कर्जा माफ नहीं करवाना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है, ताकि कल तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे वो कर्जे के दलदल में ना फंसे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और लोगों का दुख समझो तो सही। अभी एक पुलिस का ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग लेकर गया, वो कहता साहब, इंस्पेक्टर है वो, नाम नहीं लूंगा उसका, कहता साहब 1,00,000 रुपए इनकम है मेरी, लेकिन मैंने व्यापार कराने के लिए बच्चों को, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, बच्चों के नाम से व्यापार कर रहा था, लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ही लोन लिया था और व्यापार बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा आप तो सरकारी नौकरी में है दिल्ली पुलिस में, आप क्यों नहीं बोलते हैं। कहते साहब किसी को पता चला मैंने व्यापार किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन सच में नौकरी करूं कैसे, बैठता हूं कुर्सी पर, दिमाग में ही रहता है किस्त देनी है, और जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है इधर उधर से लेकर, सारा किस्तों में जा रहा है उस व्यापार का जो बंद हो चुका, कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसे मैंने ही कहा और आपको भी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, 1 रुपया भी नहीं। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना पैसा लगाकर मैं सेवा कर दूंगा। इनको भी बोला अपना पैसा लगाओ भैया, किसी से 1 रुपया मत लेना, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे ये चले गए ना दुनिया छोड़कर, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है। मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है, दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन दुनिया छोड़कर जब तुम चले जाओगे, तभी एक्चुअल में तुमने क्या किया वो तुम्हारे काम आएगा, तुमने कैसा जीवन जिया, तुम्हारे कारण किसका जीवन आसान हुआ, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। और जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उस देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे बात कर लें, संवाद कर लें। अभी तक 2,00,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमारी टीम ने, 2,00,000 से ज्यादा, 2,00,000 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब अगर आपकी वीडियो ना देखी होती, आपकी टीम से बात ना की होती, तो आज मैं दुनिया में नहीं होता। वो 2,00,000 लोगों की दुआएं लग रही हैं भाई। फिर भी हो सकता है सरकार कुछ भी एक्शन ले, कल हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम रहे ना रहे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो, बिना ये देखे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके साथ खड़े हो जाना। इससे बड़ा इंसानियत का धर्म कुछ नहीं हो सकता। सच को सच कहने की हिम्मत रखना, और चाहे उस सच के लिए गर्दन ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़ जाए, पीछे मत हटना। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। मेरे लिए भी आसान था ना, मैं भी सरकार के नेताओं के तलवे चाट सकता था, मैं भी जाकर के सत्ता में बैठ सकता था। कई पार्टियों से ऑफर है मेरे को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं हर पार्टी में, MPs हैं, MLAs हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी किसी पार्टी से किसी नेता से लड़ाई नहीं, मैं तो जनता के साथ हूं। अगर नेता जनता के साथ नहीं है,
तो फिर एक मुकाबला कर लो, एक मुकाबला कर लो, जनता वर्सेस नेता तय कर लो। 2024 आने वाला है, एक तरफ जनता में से 543 उम्मीदवार खड़े कर दो और एक तरफ नेताओं को खड़े कर दो, एक एक नेता की जमानत जब्त हो जाएगी साहब, अगर जनता ने तय कर लिया कि नेताओं से छुटकारा पाना है पहले। मैं ऐसा कोई आह्वान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। और मैं क्योंकि कई हमारे केंद्र क्यों बंद किए पता है, कहते संस्था ये काम नहीं कर सकती, आप तो राजनीति काम करो। और मैंने पहले दिन कहा ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है, कर्जा माफी जनता की राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। अगर उन्हें लग रहा है कि संस्था काम नहीं कर सकती तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने में। अभी राजीव जी बैठे हैं, ये धार्मिक एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन केवल धार्मिक एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वे पहली पार्टी थी जिसने इस अभियान को समर्थन किया और उन्होंने कहा है सर जिस दिन आप कह देंगे उस दिन हमारी सारी पार्टी, हमारे सारे उम्मीदवार, सारे लीडर जनता की कर्जा मुक्ति के लिए सदन में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप बता दीजिएगा। और एक पार्टी नहीं, ऐसे 14-15 मेरे स्टूडेंट हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने तय किया कि सर आप बताइए तो सही। और मैंने आज अभी राजीव जी से बात करते हुए बोल दिया कि राजीव जी हो सकता है ये मुझे अरेस्ट कर लें, हो सकता है मुझे अंदर कर दें, आप इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दो। जनता की कर्जा माफी अगर वर्तमान नेता नहीं करते तो इनमें से नेता तैयार करो और जाकर के इन्हें सदन में भेजो, यही जाकर अपना कर्जा माफ कर लेंगे। कब तक डिपेंड रहेंगे? फेसबुक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, अरेस्ट कर लो, ये सब चलता रहेगा। अरे भाई आसान रास्ता चुनो ना, इनका कर्जा माफ कर दो। अगर इन सबका कर्जा माफ हो जाएगा तो तुम में से कोई यहां आएगा? क्या जरूरत पड़ी है? ना मैं आऊंगा ना तुम आओगे, क्या जरूरत पड़ी है? रामलीला मैदान में आपने देखा 2.5-3 लाख लोग पहुंचे थे, वहां भी सरकार यही कह रही है इतनी भीड़ बुला ली। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा भीड़ भाई, तुम इनको माफी दो, ये घर जाएंगे अपने, इनके पास कोई इतना टाइम है क्या? ये हमारी माताएं बहनें आई हैं, घर में बच्चे छोड़ करके आए होंगी, काम धंधा करना है, अगर कर्जा माफ हो जाएगा तो बहनों यहां आओगी क्या? क्या जरूरत पड़ी है, अपना काम करेंगे। लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो केवल यहां नहीं आएंगे, ये माताएं बहनें संसद भवन भी जा सकती हैं। अभी तो रोका हुआ है हमने, क्योंकि जनता है ना, सदन किसका? जनता का। लोकसभा, लोकसभा किससे? लोगों से। जनप्रतिनिधि जाते हैं तो जनप्रतिनिधि जाते हैं, जनता क्यों नहीं जा सकती? जनता कब तक ये तय करे कि हम प्रतिनिधि भेजेंगे अपना, जनता ये ना तय कर ले कि हम खुद जाएंगे, तय कर सकती है जनता। और मैं कल से ही, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर तो रहा नहीं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कल से मैं ग्राउंड पर उतर रहा हूं और पैदल उतरेंगे, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, कोई सवारी की जरूरत नहीं, पैदल यात्रा करेंगे जितने भी किलोमीटर हर दिन कर पाएं। दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूं और जो जो जहां जहां बुलाना चाहे अपने राज्य के प्रभारी को बता देना, मैं वादा कर रहा हूं मैं आपके घर आऊंगा। घर आने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ बहनों आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, हर एक आएंगे, जो बुलाएगा उसके यहां जाएंगे। बस चाय पानी पिला देना, खाना खिला दोगे भाई को अपने? हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। और मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस देश के लिए कि अब इसी मुद्दे पर काम करना है। आज हो कल हो, जब ये सरकार तय करे वो कर ले, वरना नई सरकार की तैयारी करें। और मैंने जैसा राजीव जी को बोली दिया है तो राजीव जी अब इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में तैयार करेंगे और कर्जा मुक्ति अभियान ही चलता रहेगा। राजनीतिक पार्टी बनाने में एक मिनट लगता है, बस क्या करेंगे, कर्जा मुक्ति अभियान पार्टी, बस होगी पार्टी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है ही नहीं, तो और पार्टी है, एक नाम ही तो ऐड करना है। अगर तुम्हें लग रहा है राजनीति करके ही काम करवाना है तो राजनीति करके करवा लो। मैं नहीं चाहता ये सब करना, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे ये सब में मत डालो, लेकिन अगर तुम सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो मुझे दीवार तोड़ के निकलना पड़ेगा ना भाई। अब उनके पास यही विकल्प है, या तो वो मुझे समाप्त कर दें या जनता का कर्जा समाप्त कर दें, अब और कोई विकल्प नहीं है। मार डाले मुझे तो हो सकता है कि आवाज दब जाए, बट अब जैसा किसी साथी ने कहा, अब ये आवाज दबने वाली नहीं है, अब तो ये घर घर पहुंच गई। कई साथी हैं बता रहे थे, एक एक व्यक्ति ने 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है। कोई ऐसा जिन्हें 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है?
हाँ वो 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 लोगों वाले तो 5, एक वो 6, और ऐसे ऐसे लोकसभा प्रभारी हैं ये बैठे हैं आनंद गुप्ता जी, कितने हैं? 25,000 लोग हैं इनके लोकसभा में जुड़े हुए इस दिल्ली में। बुलाया नहीं है सबको यहाँ, क्योंकि सबको बुलाएंगे तो यहाँ फिर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। 500 लोगों की परमिशन मिली थी हमें, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं। जितने लोगों को बोला उतने ही लाए हैं, जितनी जगह को बोला उतनी ही यूज करी है, हमने भीड़ नहीं बुलाई। और ऐसा नहीं हम बुला नहीं सकते थे, रामलला मैदान में सबने देखा था 2.5 लाख लोग थे सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, उन्हें यहां नहीं बुलाया गया क्योंकि यहां नहीं बुलाना, और ये कार्यक्रम ऐसा है भी नहीं। फिर भी अब जो लोग दुनिया से चले गए वो तो चले गए, उन्हें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आप सब लोग, हम सब लोग ये प्रयास करें अब कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। इतना प्रयास करेंगे भाई, सबको बताइए, लोगों को समझाइए, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी मत लेना, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेना है किसी से। और कई लोग कह रहे हैं हम संस्था को डोनेशन देना चाहते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहो, ऐसी दुआएं देते रहो, यही सबसे बड़ी हमारी कमाई है, हमें पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। और जब जरूरत होगी तो मैं बताया ना, तुम्हारे घर आ जाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं लौट जाएंगे, क्या हो गया? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई खर्चे की ऐसी जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब कल से इस मिशन को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, सड़क पर चलना तो बंद नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर बंद करेंगे तो जहाँ बंद करेंगे वहीं बैठ जाएंगे। वो एक शेर है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, एक चिराग एक दिए की अपनी कोई जगह नहीं है, जहाँ जाएगा वो तो रोशनी फैलाएगा। जेल में डालेंगे तो जेल में जो पुलिसकर्मी होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे भाई तुम अपने आप को कैसे ठीक रखो, क्योंकि मेरा काम यही है। बाकी आप सब आए, दिल्ली की टीम, संजय जी दिल्ली के प्रभारी जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, विनोद गुप्ता जी जो आज इसके इंचार्ज रहे, आपने बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रखा। और अगर ऐसा कार्यक्रम आप रख रहे थे मुझे पता होता तो मैं तुरंत हाँ बोल देता, मैंने डिले किया, मुझे लगा कि कार्यक्रम में ऐसा ना हो कि हौच पौच हो जाए, दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रखा। ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठेंगे, उनके लिए जो दुनिया से जा चुके मौन रखेंगे 2 मिनट का, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और एक छोटा सा मार्च करेंगे इसी एरिया में ताकि एक संदेश सरकार में बैठे लोगों को जाए। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल के अंदर से बात निकल के आ रही है, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा ये बात बोलने का, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, फेसबुक पर लाइव भी लोग सुन रहे होंगे अलग अलग चैनल पर। मैंने पहले दिन से ये कहा था कि मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा, जब तक एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया कर्जा नहीं उतर जाता तब तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। लेकिन अगर मेरी इस लड़ाई में कहीं तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़ाई हल्की पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूं सबको, जब भी आह्वान किया जाए मेरे या मेरी टीम के द्वारा तुरंत खड़े हो जाना। बस अपने एरिया में इतना कर लेना कि तुरंत खड़े हो जाना, तैयार हो जाना, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कब क्या आह्वान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लगाने जा रहे हैं, जनवरी महीने में आप सबकी PIL मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो जाएगी, हमारी लीगल टीम काम कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो वहां चलेंगे, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो पता चले कितने लोग हम परेशान हैं, कितने लोग दिक्कत में हैं, और अपनी अपनी परेशानी बताना उन्हें। तुम नहीं बता पाओ तो हमारी टीम को बताना, हमारी टीम बता देगी। आप लोग अपने लेटर लेकर के आए होंगे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए लेटर नहीं भेजे वो लेटर दे दो टीम को, ताकि वो PIL में लगा दिए जाए, एक नई तैयारी शुरू करते हैं, नए स्तर पर काम करते हैं। बाकी क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, अब राजीव जी तय करेंगे आगे का मार्ग। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी क्योंकि पहली पार्टी थी जिसने इस मुद्दे को पहले दिन से समर्थन किया, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पार्टी को पहले मौका दें कि वो पार्टी अपनी कामयाबी करके दिखाए, अगले 1 महीने में पार्टी अपना काम करे और कर्जा मुक्ति अभियान के बैनर तले काम करे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरे देश की 543 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारिए, जनता में से उतारिए, इन्हें सदन में भेजिए। हमें तो सिर्फ आपसे एक ही मांग है, कर्जा माफ। अगर आप कर्जा माफ कर दोगे राजीव जी, हम सब आपके साथ तैयार हैं। हाथ उठा के पूरा सदन तैयार है, राजीव जी पूरा समर्थन है आपको, पूरा सदन आपके साथ है, आप अच्छा काम करिए।
और कर्जा मुक्ति अभियान पार्टी के लिए भी हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हथियार सारे होने चाहिए। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं अच्छा, उन्हीं को उसी में जिम्मेदारी भी देंगे। अब पॉलिटिकल व्हीकल भी तैयार करके दिखाएंगे। तैयार है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। जो एक मिनट का हम लोग मौन रखेंगे उन सभी आत्माओं की शांति के लिए। एक बार फिर दिल्ली